ये रहा वो पुलिसकर्मी जिसे रिश्वत लेते हुए विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जी हाँ, 50,000 रुपये में सेटिंग होती है और 50,000 रुपये रंगे हाथों लेते हुए इन दो पुलिस कर्मचारियों को विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें। है वो शिकायतकर्ता, उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉलीज को अपना निकालने के लिए और जो अवैध रेत को लेके जाती हैं ट्रैक्टर ट्रॉलीज, उनसे ईआरबी की जो गाड़ियां हैं डायल 112 की 535 नंबर गाड़ी है और थाना बपोली के क्षेत्र का एरिया है उनका, उन्होंने 1,60,000 के लगभग उन्होंने पर वीक की डिमांड की थी। और ईआरबी इंचार्ज और उनके ड्राइवर थे दोनों, तो शिकायतकर्ता ने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जी 50,000 से कम में तो हम बिल्कुल नहीं आपको अलाउ करेंगे और अपने एरिया से सेफ पैसेज अपनी ड्यूटी के दौरान आपको देंगे और 50,000 के साथ ESI अंग्रेज सिंह ERV इंचार्ज और ड्राइवर वीरेंद्र को कल मौका से गिरफ्तार किया गया। आगे की प्रोसीडिंग के लिए पानीपत यूनिट जो हमारी ACB करनाल की यूनिट है उनको मामला हैंड ओवर किया गया। खनन अवैध चला हुआ था। देखिए जो रेत की ट्रॉलीज हैं उनका वहाँ यमुना बेल्ट का एरिया है, तो अवैध खनन ही कहूँगा मैं उसको, क्योंकि उन्होंने कोई परमिशन ली नहीं हुई थी। बट उसके ऊपर अगर कोई प्रेशराइज करके, चाहे वो लीगल है चाहे इलीगल है, प्रेशराइज करके अगर कोई करप्शन या ब्राइब की डिमांड करता है तो वो गलत। डिमांड 1,60,000 की हुई थी सर जी, नहीं है PC एक्ट का दर्ज हुआ ना, डिमांड की गई और उन्होंने फिर रंगे हाथों उनको गिरफ्तार किया। सर कितने पैसे बरामद? 50,000 रुपये बरामद किए गए। 50,000 रुपये पर वीक मांगे गए? 50,000 रुपये पर वीक पे सेटल डाउन हुआ था, मांगे ज्यादा गए थे और उनको अरेस्ट करके यहाँ पर हुई है सर रिश्वत वगैरह। और देखिए वो आगे अभी जांच का विषय है, आगे शामिल हो सकते उनकी किस किस की संलिप्तता बीच में है वो आगे अभी उनसे उनकी एक्सप्लेनेशन भी कॉल की जाएगी और फिर आगे आगे की प्रोसीडिंग करके फिर आप लोगों को बताएं। सर ERV पे स्टाफ ज्यादा होता है, 3 का होता है शायद, तो इसमें 2 ही शामिल थे सर? मैम मौका पर 2 थे जो गिरफ्तार किए गए और वी हैव सम एविडेंसेस इन बोथ द केसेस और उनके आधार पर रेड हैंडेड हुए, उनको गिरफ्तार किया गया और आज पेश कर रहे हैं और रिमांड लिया जाएगा। आगे की कार्रवाई जो भी रहेगी कोर्ट की उसके बारे में आपको उसके बाद बता देंगे। तो लोगों के माध्यम से दोबारा फिर यही सभी के लिए अपील रहेगी, जैसा कि हम पहले भी आप लोगों के माध्यम से अपील करते रहे हैं कि किसी व्यक्ति का भी जायज काम है और उसके लिए कोई प्रेशर बना के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी स्तर का अधिकारी है, कर्मचारी है, किसी भी स्तर का अफसर है, वो डिमांड करते हैं अगर ब्राइब की, तो निश्चिंत होकर आप ACB करनाल आ सकते हैं, अपनी शिकायत दीजिए, उनका नाम जो है हम अपने लेवल पे गुप्त रखेंगे और निश्चित तौर पे कार्रवाई। कार्यालय का एड्रेस क्या है सर? ये 2206 नंबर है, सेक्टर 7 करनाल, ACB करनाल। तो फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से डायल 112 पर तैनात दो पुलिस कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।